क्लास 11th में बिल्कुल बेसिक, जब से जहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें जब निकालने होते हैं तो हम मोल्स निकालते समय किस तरह से मोल्स निकालते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनिशियली अपने मन में बात बैठा लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालें तो मेन रूप से तीन मेथड में काम आते हैं। एक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं पे जाके रुकेंगे। एक जो सब में लागू होता है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एन से डिनोट करें सब में लागू होगा, कोई भी सब्सटेंस मास, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अपने आप ही ग्राम में आता है। एक दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, ये केवल गैसेज में लागू होता है। आपने कहा ये गैसेज में लागू नहीं होता, ये सब में लागू होता है। अब कोई भी चीज हो उसमें लागू कर सकते। गैसेज के केस में मोल्स इक्वल गैसेज के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस लेते इन लीटर एट एस टी पी। जानते होंगे एस टी पी क्या होता है, नहीं जानते तो एक बार पढ़िए एस टी पी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको 22.4 से डिवाइड, क्योंकि वन मोल कोई भी गैस दुनिया में होगी, वन मोल ऑफ गैस एट एस टी पी इक्वल टू होता है 22.4। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और तीसरी बात हमारे पास हो, ये जो मेथड है ये केवल किस पे लागू होता है, सॉल्यूशंस पे लागू होता है। इन केस ऑफ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूट मिला हुआ है सॉल्यूशन धीरे धीरे सीख जाए, मोल्स इक्वल टू होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन होगी अभी सिखाएंगे मोलैरिटी क्या होती है, इन टू वॉल्यूम इन लीटर। बस ये तीन मेथड आपको याद है, 1, 2 वो मिलकर इन्हीं से पे सारा पेपर वो सॉल्व होता है। सॉल्यूशन जो होता है जैसे H2SO4 है ऐसे, जैसे एग्जाम्पल में देखें अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अगर आपसे कोई कहे भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 500 ग्राम वाटर, आपने कहा साहब ये तो बहुत आसान बात है, इसे तो कोई भी कर देगा। जैसे 500 अपन आप जाते वाटर का मोलर मास कितना होता है 80, इतने मोल्स। अब ये सेम क्वेश्चन उसने दे दिया, फाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 500 ml ऑफ वाटर। केवल पानी एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम लिक्विड पानी वाटर के केस में, क्योंकि पानी की डेंसिटी आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1 g/ml। तो हम 500 ml को क्या लिख सकते हैं, 500 ग्राम लिख सकते हैं। और अगेन ये वो क्वेश्चन हो जाता है, अगर वो हमसे कहते था फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी ऑफ बेंजीन 0.8 ग्राम। अभी ये साथियों से डेंसिटी देने की जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ गई डेंसिटी देने की जरूरत, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें चाहिए मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी 500 ml एक लिक्विड है हमारे पास में, बेंजीन एक लिक्विड होता है, तो आपने पहले उसका मास बनाया, डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास में है 0.8, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। पानी के केस में ऐसा नहीं किया था हमने,
ये 400 ग्राम। नाउ मोल जब है 400 अपॉन, अब जाते हैं बेंजीन का मोलर मास तो आएगा 72 + 6 = 78। इतने मोल। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अगर ये ऐसे हो जाए, आपसे कोई कह दे कि सेम क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, उसने कहा फाइन नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ml ऑफ वाटर लेकिन वेपर्स एट एस्ट। अब ये बदल गया सर, अब ये वाला बदल गया। अब ये गैस है हमारे पास में और उसका एसटीपी पर वॉल्यूम दे रहा है, बताइए मोल्स और वाटर इसके आगे वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22। वॉल्यूम कितना है 500 एमएल, लीटर में चेंज करोगे 500 इंटू 22 - 3 इंटू ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22। इतने मोल्स। कोई भी हमारे पास में कभी भी आपको काम करना है तो हमेशा मोल्स पे काम करने के समय इन तीन फॉर्मूले को दिमाग में रखें। आपसे किसी ने कहा फाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml ऑफ 1.2 मोलर सॉल्यूशन, बड़ा आसान 500 × 10⁻³। इतने लीटर आते हैं मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। अभी आपको बताया था जब सॉल्यूशन है हमारे पास तो मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इतने मोल्स। ये सारे मेथड आपको बहुत काम आएंगे जब आप स्टोइकोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरह से आप इनका एप्लीकेशन कर सकते हैं।